जिला प्रशासन ने भी और हमने भी मिलकर के इस रोड के बारे में हम लोगों ने राज्य स्तर पर बात किया है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। बता दें कि ये जो जेसीबी आप देख रहे हैं ये बिरहू मोड़ पर चल रही है। ये बिरहू मोड़ जिसे बोलते हैं, इस रोड से होकर दशहरा के समय यानी आज से जो है इस रोड से होकर सभी गाड़ियों को बिरहू बेलवादा कुंजला होकर बाईपास के रास्ते से निकाला जाएगा। बता दें कि हम कल भी इस बारे में बात किए थे और परसों हम इस पर विशेष खबर चलाए थे, जिसका असर देखा जा रहा है अभी कि जिला प्रशासन द्वारा एक्शन लेते हुए अभी इस सड़क में जो बड़े बड़े गड्ढे थे उसकी मरम्मती कराई जा रही है, गड्ढे को भराया जा रहा है। हमारे यहाँ जेसीबी चल रही है और इसमें जो गड्ढे जो भराया जा रहा है जिस मटेरियल से, उसकी जैसे हाइवा भी आगे लगी हुई है, पूरी मटेरियल लेकर पहुँची हुई है हाइवा। और देखिए जेसीबी यहाँ पर चल रहा है और ये है झारखंड टुडे के खबरों का असर। बता दें कि यहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे जिसे जेसीबी द्वारा अब भर दिया गया है और अब जो है इस पूरे रास्ते को भरा जाएगा। देख पा रहे हैं आगे भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। हमने इस विषय को लेकर खुटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा से बात किया है। उन्होंने कहा कि इस रोड का जो है पक्कीकरण कराया जाएगा और इस पे जो है नए सिरे से इस सड़क को बनवाया जाएगा, जिसके लिए इस्टीमेट बनवा कर राज्य सरकार को भेज दिया गया है। मरामत कराया था लेकिन आज रोड जर्जर की स्थिति में, और फिर हम लोगों ने जिला प्रशासन ने भी और हमने भी मिलकर के इस रोड के बारे में हम लोगों ने राज्य स्तर पर बात किया है और उसका एस्टीमेट बना करके हम लोगों ने भेजने का काम किया है। मुझे लगता है कि जल्द ही इस रोड का भी काम चलेगा। हाँ, कल से गाड़ियां पार होगी लेकिन उसके बाद इस रोड का मरम्मत हो सकता है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि खुटी थाना के थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ सड़क के निरीक्षण के लिए निकले हुए थे। जो आप देख पा रहे हैं कि ये बेलवा दाग जाने वाले रास्ते में बीच सड़क पर ही एक पेड़ गिरा हुआ था, जिसमें थाना प्रभारी अपने पुलिस बल एवं स्थानीय लोगों की मदद से सड़क से पेड़ हटाता हुआ आप देख पा रहे हैं। ये पेड़ हटाया जा रहा है, इसमें थाना प्रभारी और एवं थाना के पुलिस बल व एक कुछ लोग स्थानीय लोग भी हैं, जिसमें कि थाना प्रभारी ने उनके मदद से खुद पेड़ को खींच कर जो है सड़क से हटाया है। आप देख पा रहे हैं इस विजुअल में साफ दिख रहा है कि थाना प्रभारी द्वारा रास्ते का निरीक्षण के दौरान पेड़ को जो है सड़क पर से हटाया जा रहा है।